पवन सिंह जी को भी यानी सांसद बनना चाहिए? जरूर, काहे नहीं। गुंजन सिंह जी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ सोचते हैं? तो हमारा मगही में भी सांसद होना भी जरूरी है। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप लड़िए और हमेशा प्यार बनाए रखिए हम लोगों पे। अभी भोजपुरी से पवन सिंह जी सांसद बनने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? भैया देखिए ना, इधर अभी तो टिकट कैंसिल हुआ, इधर का मैं सुनने में आ रहा है, इधर से मिला है शायद आरा से, आरजेडी से अभी लगभग आरा से लगभग लड़ेंगे आपसे उम्मीद है। हाँ, आगे देख ले लिए उजाही ओ हाल करे लगे, अछौड़ा चुप 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 तू ले ले रे। आशीष यादव भोजपुरी में लगभग कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको देख करके और सीखते हैं? चुप चुप टू फिर आ रहा है मेरा, बहुत जल्द बहुत धमाका होगा। छोरा चुप 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 तू ले ले रे, इसका टू वर्जन भी आ रहा है। हाँ, टू वर्जन आ रहा है और बहुत हिट है, उससे भी ज़्यादा ये हिट है। स्टार न्यूज के कैमरा पे ये सबसे बड़ी खबर। ये सबसे बड़ी खबर है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों भी हमारे साथ मगही के सबसे बड़े सुपरस्टार हमारे साथ आशीष यादव हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज पे, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टार न्यूज के माध्यम से हमें जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम। भैया इस लगन में इतना आपका गाना बज रहा है, छोड़ा चुप 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 तू ले ले रे, इतना बज रहा है कि लगभग समझ लीजिए कि इस लगन का सबसे बड़ा गाना उस गाने को कह सकते हैं। जरूर, और गाना वाकई में बहुत बड़ा गाना बना ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस गाने को, और अभी भी ट्रेंड में है गाना मेरा, 86 नंबर टॉप म्यूजिक वीडियो में अभी भी ट्रेंड कर रहा है। अभी भी है, अभी भी चल रहा है, और करीबन ये गाना 30-40 मिलियन से प्लस चल गया है। ऑलमोस्ट अगर जोड़ा जाए 50 मिलियन क्रॉस है। सब जोड़ा जाए तो 50 मिलियन से प्लस है। चाहेंगे ये गाना दो लाइन? जरूर। ये गाना ऐसे था कि आगे देख ले लिए उजाही ओ हाल करे लगे, आगे देख ले लिए उजाही ओ हाल करे लगे, अछौड़ा चुप 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 तू ले ले रे, इस तरह से गाना था। भैया गाना तो लगातार आते हैं आपके, और लगातार जो है ट्रेंडिंग में आप अपना कब्जा जो है जमाए रहते हैं। बस हम क्या कब्जा जमाएंगे, वो पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है, जो अब इतना गाना को प्यार ही देते हैं तो ट्रेंडिंग तो जाना ही है। अच्छा, स्टेज पर अभी हाल ही में आप खेसारी लाल यादव जी से मिले, खेसारी लाल यादव जी ने स्टेज पर आपका इतना तारीफ किया, एक बड़े सुपरस्टार आशीष यादव का जब तारीफ किए तो आशीष यादव जी के मन में क्या कुछ चल रहा था, कितना खुशी हुआ? देखिए खुशी होगा ही, और एक बड़े लेवल के स्टार अगर यदि जिनको आप फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और भैया का बड़प्पन है जो इतना बड़ाई किए और सपोर्ट किए स्टेज के माध्यम से। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी ये भी लगभग, खेसारी लाल यादव जी का मार्केट में 100 से ऊपर एल्बम है जो लगभग 200 मिलियन 500 मिलियन है, वो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि आशीष का गाना मैं लगातार टेम्पो में, ट्रक पे और गांव में जो है लगातार जमीनी स्तर पे बजते हुए सुनता हूँ, इनको ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है, तब कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम फील हुआ था कि नहीं आज मेहनत की है और पब्लिक का प्यार मिला तो आज भैया भी गाना सुनते हैं, तो बहुत अच्छा खुशी तो फील होगा ही। अच्छा, आशीष यादव भोजपुरी में लगभग कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको देख करके और सीखते हैं? देखिए सीखे तो हम शुरुआत जब किए थे तो प्रमोद भैया से सीखे थे, और एक्टिंग वगैरह जो भी था जैसे रोज आना, मजाक करना, हंसी उसी, ये सब वो सब तो एक ही हैं खेसारी भैया, उनसे ज़्यादा तो कोई बेटर कर ही नहीं सकता ये सब चीज़, एक्ट वगैरह, बाकी बात भैया गाते भी तगड़ा हैं, तो सब ऐसा नहीं हम सबको देख के सीखे, और जैसे एक होता है ना एक कुछ पसंद आ जाए, तो मुझे ऊंचा स्केल गाना बहुत पसंद था, एकदम हाई स्केल, तो वो गया जब उस टाइम प्रमोद पर भी बहुत ऊंचा स्केल से गाते, तो हम सोचे कि भैया का कॉपी किए सीखें कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो जब हम स्टार्ट किए तो उन्हीं का वो सॉन्ग देख के, तो क्योंकि हम उसे मिले नहीं थे लेकिन सॉन्ग ही सुनते थे। हाँ, यानी कि खेसारी लाल यादव जी को लगभग लगभग बचपन से ही आशीष यादव जी देखते आ रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ, अरे तो भैया जब से गा रहे हैं उस टाइम हम होश भी नहीं थे हम उस टाइम तो बचपन का ही थे, तो भैया का सबसे पहला गाना हिट हुआ था कौन, टेनिस वाली सनिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी, उस टाइम से ही जान रहे हैं। अच्छा, उसी टाइम से जो है आशीष यादव खेसारी लाल यादव जी को सुनते हैं? तब उसी टाइम से सुन रहे हैं अच्छा, अभी भोजपुरी में जो है लगातार आप देखते हैं, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी होता था,
अब धीरे धीरे जो है भोजपुरी कंट्रोवर्सी से दूर हो गया है, अब भोजपुरी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, देख करके कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, झूठ में एकदम विवाद खड़ा करता है सबको इधर से उधर, और झूठ में इससे वो बात और फिर इससे फिर वो बात, बड़ी गंदा चीज़ है। अच्छा, अभी हाल ही में आपके आप खेसारी लाल जी को अपना लगभग खेसारी लाल यादव जी को देख कर सीखते हैं, आपके खेसारी भैया का ही अभी एक फिल्म जो है सेंसर बोर्ड जो है उस फिल्म को पास नहीं कर रहा है, रंगदे बसंती, उस फिल्म को लेकर के खेसारी लाल यादव जी भी लाइव आते हैं और बोलते हैं इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत किया है, इस फिल्म को शूट करने के लिए जी हमने बहुत सारा मेहनत किया है, तो इस फिल्म को रोका ना जाए, इस फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए। ज़रूर, और खेसारी भैया जी इस फिल्म में काम किए होंगे तो अच्छा ही मूवी होगा, तो मैं भी गुजारिश करूंगा कि ये मूवी रिलीज़ किया जाए, इस फिल्म को रोका ना जाए, क्योंकि इस फिल्म के पीछे बहुत लोगों का मेहनत है। ज़रूर, और खेसारी भैया मेहनत करने में भी तो है ही ना, तो वो अपने हिसाब से मेहनत किए होंगे, उसको किस तरह फील हो रहा होगा। अच्छा, आपके अभी मगही के एक सुपरस्टार गुंजन सिंह जी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने भी जैसा सुना होगा, क्या कुछ सोचते हैं? बहुत बढ़िया है, और भैया भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लड़िए और हमेशा प्यार बनाए रखिए हम लोगों पे। भोजपुरी के तो तीन तीन सांसद है, एक मगही के सांसद भी हो तो ये सब खुशी की बात है ना, अब हमारा मगही में भी सांसद होना भी ज़रूरी है। अच्छा, अभी भोजपुरी से पवन सिंह जी सांसद बनने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? भैया देखिए ना, इधर अभी तो टिकट कैंसिल हुआ, इधर का मैं सुनने में आ रहा है, इधर से मिला है शायद आरा से, आरजेडी से अभी लगभग आरा से लगभग लड़ेंगे आपसे उम्मीद है। हाँ, तो सबको एकदम बहुत बहुत, हम तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुशी होता है अंदर से कि नहीं ठीक है। पवन सिंह जी को भी यानी सांसद बनना चाहिए? ज़रूर, कहे नहीं, उनके छोटे भाई सब एकदम सपोर्ट में खड़े हैं कदम हमेशा हमेशा हमेशा। अच्छा, चाहेंगे दो लाइन कोई गाना सांसद के ऊपर, ऑन द स्पॉट बना दीजिए? नहीं, अभी उस तरह कोई दिमाग में है नहीं, गाना उस तरह सोच के नहीं रखे अभी हम। अच्छा, और कौन कौन सा गाना, अभी जैसे कि होली का गाना शूट हो रहा है, कौन कौन सा गाना कब हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? अभी आप सबों को बता दें कि मैं चुप चुप टू फिर आ रहा है मेरा, बहुत जल्द बहुत धमाका होगा। छोरा चुप 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 तू ले ले रहे, इसका टू वर्जन भी आ रहा है? हाँ, टू वर्जन आ रहा है, और बहुत हिट है, उससे भी ज़्यादा ये हिट है स्टार न्यूज के कैमरा पे, ये सबसे बड़ी खबर। ये सबसे बड़ी खबर है कि उससे भी ज़्यादा हिट गाना। अच्छा, अभी शूटिंग सेट पे हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, अंततः अपने ऑडियंस से क्या रिक्वेस्ट है? बस आप लोग जिस तरह प्यार दुलार बनाए हमेशा बनाए रखिए, और स्टार न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, महादेव, मिलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ मगही के सबसे बड़े सुपरस्टार आशीष यादव जी, इनके बातों से आप कितने सहमत हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा। चलिए, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग स्टार न्यूज़ देख रहे थे।